जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है एपिस्टेसिस। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जो जीन इंटरैक्शन दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है एलीलिक जीन इंटरैक्शन, सेकेंड होता है आपका नॉन एलीलिक जीन इंटरैक्शन। आज हम लोग बात करेंगे नॉन एलीलिक जीन इंटरैक्शन की। नॉन एलीलिक जीन इंटरैक्शन क्या है? पहले भी हम लोगों ने जीन इंटरैक्शन के बारे में बात किया है। जैसे मान लेते हैं कोई होमोलॉगस पेयर है जिसमें जीन है कैपिटल डबल टी और इसका जो एलील है वो स्मॉल डबल टी, और दूसरा होमोलॉगस पेयर है क्रोमोसोम का जिसमें जीन है कैपिटल डबल वाई और स्मॉल डबल वाई। तो ये दोनों होमोलॉगस पेयर जो हैं वो एक दूसरे के एलील हैं और ये एक दूसरे के एलील हैं, लेकिन ये इसका इन दोनों का नॉन एलील कहलाएगा। तो अगर इनमें से किसी जीन का इंटरेक्शन इनमें से किसी जीन के साथ किसी पेयर के साथ, यानी कि कैपिटल डबल टी का इंटरेक्शन कैपिटल डबल वाई के साथ या स्मॉल डबल वाई के साथ होता है, तो ये सिचुएशन जो है वो नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन कहलाता है। तो नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन का जो रिजल्ट है तो वो हम लोग देखते हैं कि इसका एग्जांपल क्या है। इसमें आता है एपिस्टेसिस, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एपिस्टेसिस क्या होता है? अगर कोई एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को सप्रेस कर दे, मतलब उसको दबा दे और खुद को डोमिनेट कर दे, तो ये जो होगा वो एपिस्टेसिस कहलाएगा। एपिस्टेसिस दो तरह के होते हैं, एक आपका होता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस और दूसरा आपका होता है रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो पहला आपका हो गया डोमिनेंट एपिस्टेसिस और दूसरा आपका हो गया रिसेसिव एपिस्टेसिस। मान लेते हैं कि ये आपका कोई होमोलॉगस पेयर है जिसका जीन है कैपिटल डबल टी और स्मॉल डबल टी, ये हो गया। दूसरा आपका जो पेयर है जिसमें ये जीन है कैपिटल डबल वाई एंड स्मॉल डबल वाई। तो अगर इसमें क्या होता है कि ये भी डोमिनेंट फॉर्म में है, ये भी डोमिनेंट फॉर्म में है। अगर हम मान लेते हैं कि क्योंकि जो भी जीन होता है वो डोमिनेंट फॉर्म में अपने कैरेक्टर को शो करता है, तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस क्या है? अगर ये डोमिनेंट जीन इस डोमिनेंट जीन के कैरेक्टर को सप्रेस कर देगा, यानी कैपिटल डबल टी कैपिटल डबल वाई के कैरेक्टर को, या मान लेते हैं कि ये कलर के लिए है कैपिटल डबल डब्ल्यू हम ले लेते हैं और स्मॉल डबल डब्ल्यू ले लेते हैं, तो अगर ये कैपिटल डबल डब्ल्यू कैपिटल डबल वाई के कैरेक्टर को सप्रेस कर दे, क्योंकि दोनों डोमिनेंट हैं लेकिन दोनों डोमिनेंट में से किसी एक ही डोमिनेंट का कैरेक्टर आगे शो होगा, तो इस तरह का जो एपिस्टेसिस कहलाता है वो डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहलाता है। तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस में डोमिनेंट जीन जो होता है वो दूसरे डोमिनेंट जीन के इफेक्ट को सप्रेस कर देता है। इसका मतलब ये जो कैपिटल डबल डब्ल्यू है वो कैपिटल डबल वाई के कैरेक्टर को सप्रेस कर देगा। जो जीन अपने आप को डोमिनेट करता है उसको हम लोग एपिस्टैटिक जीन कहते हैं, यानी यहां पर एपिस्टैटिक जीन हो जाएगा आपका कैपिटल डबल डब्ल्यू, और जो सप्रेस होता है जो अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर पाता उसको हम लोग हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं। जैसे कि यहां पर आपका कैपिटल डबल वाई, तो इसमें एपिस्टैटिक जीन हो गया कैपिटल डबल डब्ल्यू और हाइपोस्टैटिक जीन हो गया कैपिटल डबल वाई। दूसरा आपका होता है रिसेसिव एपिस्टेसिस। रिसेसिव एपिस्टेसिस में क्या होता है? कोई भी जीन अपने रिसेसिव फॉर्म में, मान लेते हैं कोई स्मॉल डबल डब्ल्यू कोई जीन है, वो अपने रिसेसिव फॉर्म में दूसरे जीन के कैरेक्टर को सप्रेस कर रहा हो। जैसे ये कैपिटल डबल डब्ल्यू जो है वो कैपिटल डबल वाई के कैरेक्टर को सप्रेस कर रहा है अपने रिसेसिव फॉर्म में, तो इसे हम लोग कहेंगे रिसेसिव एपिस्टेसिस। यहां पर आपका जो एपिस्टैटिक जीन होगा वो स्मॉल डबल डब्ल्यू होगा अपने रिसेसिव फॉर्म में जो एपिस्टेसिस शो कर रहा है,
और जो हाइपोस्टैटिक जीन होगा वो होगा कैपिटल डबल वाई। तो एपिस्टेसिस क्या है? जब कोई एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को सप्रेस कर दे और अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर दे तो ये एपिस्टेसिस कहलाता है। ये दो तरह के होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। जब कोई जीन अपने डोमिनेंट फॉर्म में दूसरे जीन के कैरेक्टर को सप्रेस करता है तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहलाता है। जब कोई जीन अपने रिसेसिव फॉर्म में दूसरे जीन के कैरेक्टर को सप्रेस करेगा या दबाएगा तो रिसेसिव एपिस्टेसिस कहलाता है। जो जीन दूसरे जीन के कैरेक्टर को दबाता है वो एपिस्टैटिक जीन कहलाता है, और जो जीन दब जाता है, जो अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर पाता, वो जीन हाइपोस्टैटिक जीन कहलाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे डोमिनेंट एपिस्टेसिस की। तो हम लोग बात कर रहे थे डोमिनेंट एपिस्टेसिस की। जैसा कि हम जानते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस, तो प्रोसेस एपिस्टेसिस का जिसमें आपका जो डोमिनेंट जीन होता है वो एपिस्टैटिक होगा। जैसे मान लेते हैं कि कैपिटल डबल डब्ल्यू कैपिटल डबल वाई पंपकिन का एग्जांपल लिया गया है यहाँ पर फ्लावर्स के लिए, और स्मॉल डबल डब्ल्यू एंड स्मॉल डबल वाई दिस इज स्टेट ग्रीन एंड दिस इज फॉर वाइट। तो यहाँ पर क्या है कि हम देख सकते हैं कि कैपिटल डबल वाई ये जीन भी डोमिनेंट है और कैपिटल डबल डब्ल्यू ये जीन भी डोमिनेंट है, लेकिन यहाँ पर जो डोमिनेंट जीन है वो दूसरे डोमिनेंट जीन को सप्रेस करेगा, इसलिए वो डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहलाता है। इसका मतलब यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू जो है, कैपिटल डब्ल्यू आपका जो है वो एपिस्टैटिक जीन, एंड स्मॉल जो बाकी ये जो कैपिटल वाई जो है वो हाइपोस्टैटिक। ये कैरेक्टर को सप्रेस कर रहा है, ये इसको भी सप्रेस करेगा और इनमें से इनके भी कैरेक्टर को सप्रेस करेगा। वेयर देयर इज अ कैपिटल डब्ल्यू देयर इज अ कैरेक्टर ओनली वाई, और अगर कैपिटल डब्ल्यू नहीं है वहाँ पर तो उसके जगह पर अगर आपको कैपिटल डब्ल्यू के बाद अगर आपको कैपिटल डब्ल्यू वाई दिख रहा है तो वहाँ पर येलो। जिस तरह से हम लोग चार्ट प्रिपेयर करेंगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। द रेशियो ऑफ डोमिनेंट एपिस्टेसिस इज 12:3:1 वाइट थ्री येल्लो एंड वन ग्रीन, ये आपका रेशियो आता है। सो फर्स्ट हम लोग क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कराने पर क्योंकि हमें जो रिजल्ट हमारा लेना है वो लेना है एफ थ्री से एफ टू का क्रॉस। तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस करा देंगे कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई एंड स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई। ओके, ये हो गए आपके गैमिट्स। जब गैमिट्स में क्रॉस होगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही आपके आएंगे इंडिविजुअल्स। इनमें सेल्फ क्रॉस करा देंगे क्योंकि ये अपन है सेल्फ क्रॉस कराने पर क्या होगा कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल डब्ल्यू एंड स्मॉल वाई, इन सब के बीच हम सेल्फ क्रॉस कराए। उसके बाद आप हमारा जो रेशियो आएगा वो मेंडेलियन लॉ से बहुत अलग आता है, तो वहाँ पर जो रेशियो आपका 12:3:1 ये रेशियो हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से आता है। ध्यान दीजिएगा हम लोग बात कर रहे हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तो जब भी हम लोग सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो सेल्फ क्रॉस कराने पर जैसा कि आप जानते हैं F2 जनरेशन में डाइहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस कराया जाएगा, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा कैपिटल डबल डब्ल्यू कैपिटल डबल वाई कैपिटल डबल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डबल वाई एंड कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई स्मॉल। नेक्स्ट आपका कैपिटल डबल डब्ल्यू
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल डबल डब्ल्यू स्मॉल डबल वाई एंड कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू वाई. नेक्स्ट कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डबल वाई, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल डबल डब्ल्यू, कैपिटल डबल वाई एंड कैप स्मॉल डबल डब्ल्यू, कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ये आपका आएगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डबल वाई, स्मॉल डबल डब्ल्यू, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल डब्ल्यू एंड स्मॉल डबल वाई. क्रॉस कराने पर जो रिजल्ट है, इसका जो रिजल्ट है मेंडेलियन लॉ का जो रिजल्ट आपका आता है फिनोटाइपिक रेशियो, वो आता है 9:3:1. लेकिन जैसा हमने पहले ही बताया आपको कि कोई भी रेशियो जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो रेशियो जो होता है वो सेम नहीं होगा. इसका जो रेशियो आएगा फिनोटाइपिक रेशियो आएगा 12:3:1. वाइट येलो एंड ग्रीन. तो ग्रीन तो आपका ये है क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्रिस्टेसिस नहीं है. मैंने पहले भी बोला था कि इन जितने भी क्रॉसेस हुए क्रॉस में जो रिजल्ट आया है उसमें अगर चारों जीन में कहीं आपको कैपिटल डब्ल्यू दिखता है तो वो क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर जो इपिस्टैटिक जीन है वो कैपिटल डब्ल्यू है तो वो वाइट कैरेक्टर को शो करेगा. यानी कैपिटल डब्ल्यू जीन के साथ अगर दूसरा कोई कैपिटल डब्ल्यू जीन होगा तो वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू का जो जीन है वो दूसरे डोमिनेंट या दूसरे रिसेसिव जो कि डोमिनेंट फॉर्म में होता है उस जीन के इफेक्ट को सप्रेस कर रहा है. इसलिए हम लोग इसको डोमिनेंट इपिस्टैसिस कहते हैं. जैसे कि ये आप देख लेंगे कैपिटल डब्ल्यू ये वाइट, ये आपका कैपिटल डब्ल्यू ये भी वाइट, कैपिटल डब्ल्यू वाइट. ध्यान दीजिए कि कैपिटल डब्ल्यू के साथ कैपिटल डबल वाई भी है लेकिन हमने पहले भी बताया था कि कैपिटल डब्ल्यू जो है वो इपिस्टैटिक जीन है यहाँ पर, इसलिए ये इपिस्टैटिक जीन दूसरे जीन के जो कि हाइपोस्टैटिक जीन होगा उसके कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं होने देता है. इसलिए हम लोग इसको कहते हैं इपिस्टैसिस. और क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट जीन दूसरे को सप्रेस कर रहा है, दूसरे जीन को सप्रेस कर रहा है इसलिए अपने डोमिनेंट फॉर्म में कर रहा है इसलिए उसको हम लोग डोमिनेंट इपिस्टैसिस कहेंगे. तो यहाँ पर भी कैपिटल डब्ल्यू तो वाइट हो जाएगा. नेक्स्ट ये भी आपका वाइट, ये भी कैपिटल डब्ल्यू वाइट, ये भी कैपिटल डब्ल्यू वाइट, वाइट कैपिटल डब्ल्यू वाइट, कैपिटल डब्ल्यू वाइट. अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू सॉरी स्मॉल डबल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू वाई. तो यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं कि जो डोमिनेंट जीन है इपिस्टैटिस जो जीन है वो कैपिटल डब्ल्यू है तो यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू नहीं है. तो यहाँ पर अब रिसेसिव फॉर्म में स्मॉल डबल डब्ल्यू है और डोमिनेंट फॉर्म में डबल वाई. तो कैपिटल डबल वाई जो है वो किस कैरेक्टर को शो कर रहा है, येल्लो के कैरेक्टर. तो यहाँ पर हम लोग वाइट का लिख करके लिखेंगे येल्लो. दूसरा यहाँ पर भी सेम, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर भी वाइट जो है आपके डोमिनेंट फॉर्म में है, कैपिटल डब्ल्यू नहीं है तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा येल्लो. और उसके बाद यहाँ पर देखिए कैपिटल डब्ल्यू तो वाइट, ये भी कैपिटल डब्ल्यू है तो वाइट, और यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू सेम येल्लो. और ये देखिए स्मॉल डबल डब्ल्यू कैपिटल स्मॉल डबल वाई, यानी जो जीन है वो अपने प्योर रिसेसिव फॉर्म में है. ना तो यहाँ का जीन प्योरली आया है ना तो यहाँ का, दोनों का मिक्सअप है स्मॉल डबल डब्ल्यू और स्मॉल डबल वाई. तो यहाँ पर जो कैरेक्टर हो जाता है वो हो जाता है ग्रीन. टोटल कितना हुआ वाइट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. यानी कि कितने कैरेक्टर में 12 वाइट, 12 और 3 येलो, येलो 1, 2 and 3 और 1 आपका ग्रीन. तो इसको कहते हैं डोमिनेंट इपिस्टैसिस जिसका रिजल्ट जो है वो मेंडेलियन लॉ के बहुत अलग आता है. जिस हिसाब से लॉ दिया गया था उनका जो रेशियो था वो आपको पता है कि 9:3:1 का आता है. लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक जीन के डोमिनेंट होने की वजह से जो कि दूसरे जीन के
कैरेक्टर को सप्रेस कर रहा है, इसके वजह से जो रेशियो हो जाता है वो 12:3:1। आप क्रॉस करा करके दिखा सकते हैं, जिसका ये रेशियो आता है इस तरह से, इसका मतलब उसका जो क्रॉस है वो परफेक्ट है। ये है आपका डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अब हम बात करेंगे रिसेसिव एपिस्टेसिस की।